नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला रेवाड़ी के प्रजापत चौक स्थित नेलोर जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे और सभी को फतेहाबाद आने का न्योता दिया। यहां पहुंचने पर उन्होंने बताया कि जल्द ही तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान होगा। 2024 में भाजपा 50 सीटों पर ही सिमट जाएगी। फतेहाबाद में 25 सितम्बर को चौधरी देवीलाल के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। तीसरे मोर्चे से जुड़े सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद होंगे। प्रदेश में गठबंधन को लेकर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को साथ लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित करे। उन्होंने कहा कि वे उन्हें तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन माफी मांगने पर गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का खामियाजा भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार मानेसर में किसानों की 1800 एकड़ जमीन बेचकर कर्ज मुक्त होना चाहती है, इसलिए देश का किसान एक बार फिर से आंदोलनरत है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। उसको मनाने का काम करते हैं। इस बार फतेहबाद में फिर साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा और चौटाला साहब का एक प्रयास रहा है कि आज इस देश के अंदर गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी के एक ऐसा तीसरा मोर्चा बने, जो मोर्चा बनने के बाद लोगों में एक भरोसा जीतने का काम करे। लोग आज कांग्रेस से भी, कांग्रेस की तो आपसी कड़े की वजह से दुखी है, और भाजपा के गलत निर्णयों की वजह से लोग आज भाजपा से किनारा कर रहे हैं। पूरे देश के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव के लिए उनके सामने आज कोई ऐसा विकल्प नहीं है तीसरा, जिसकी वजह से लोग कहीं इकट्ठे होकर के अपना वोट उनको डाल करके सत्ता परिवर्तन करने का काम करें। चौटाला साहब का प्रयास रहा है हमेशा कि तीसरा मोर्चा बने, और हम उम्मीद करेंगे कि इस चौधरी साहब के जन्मदिवस पे, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में, जनता दल का गठन किया था, भाजपा को साथ जोड़ा था और मिल करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम किया था। आज भी उसी किस्म के हालात हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का प्रयास है कि तीसरा मोर्चा बने, और इस 25 सितंबर को उस तीसरे मोर्चे की कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर हालत में तीसरा मोर्चे उसी दिन ही बन जाएगा, मोर्चा बनने में तो समय लगेगा, लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी। उस दिन हमारे देश के बड़े नेता जो है चौधरी देवीलाल के प्रति जहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आएंगे, वहीं लोगों में ये संदेश देंगे कि अब हमें इकट्ठे हो करके इसको सत्ता से बाहर करेंगे भाजपा को, जिसमें शरद पवार आएंगे। शरद पवार के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।